नमस्कार, वेलकम एंड साई राम टू दिस हम्बल ऑफरिंग इन द मेमोरी ऑफ माई ग्रैंड मदर्स गान हीरा पद्मभूषण श्रीमती हीराबाई वडोदकर जी 115th बर्थ एनिवर्सरी 115वीं जन्म शताब्दी आज हम मनाने जा रहे हैं, तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब हम हीराबाई जी की याद करते हैं या उनका नाम लेते हैं तो कई बातें मन में आती हैं। एक तो उनका गाना, उसके बावजूद उनका स्वभाव, जो लोग उनको मिल पाए हैं, जिनसे वो वार्तालाप किए हैं, जिनसे वो जो लोग उनसे सीखे हैं, जिन्होंने उनका गाना सामने बैठ के सुना है, दे वर द मोस्ट फॉर्चुनेट वंस। खैर, मेरे लाइफ में मैंने उनको जब देखा है तब शी हैड ऑलरेडी stopped performing on the main screen, on the main stage. And हमने जो उनको घर में या सिखाते हुए देखा है तो एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत कल्पना में, एक अद्भुत ट्रांस में हम लोग चले जाते थे। और गाने के बारे में मैंने बोलना कोई उचित बात नहीं है, वो तो बड़े लोग बोलेंगे आगे जाके। हम लोग, जैसे हमने बोला है कि कई बड़े बड़े आर्टिस्ट आज दादी के बारे में उनके अपने ख्यालात पेश करने वाले हैं, सो आई विल नॉट टच दैट टॉपिक। बट फिर भी ख्याल गाना, नाट्य संगीत, ठुमरी, भजन, टप्पा, गज़ल, आई मीन खोरी, इतनी मल्टीफैसेटेड कैपेसिटी थी उनकी, जो हम उनके गाने में भी सुनेंगे और सुनते आ रहे हैं, आज भी सुनेंगे। तो ये सब उनका प्रवास 1920 में शुरू हुआ, जब वो 15 साल की थी, 15 ईयर्स ओल्ड। 15 साल की एक यंग लड़की पहली बार स्टेज पे बैठ के एक प्रोफेशनल तरीके से गाना पेश करना कोई आम बात नहीं। उस टाइम उन्होंने पहली बार पुणे के अंदर आर्यभूषण प्रेस नाम की एक जगह थी, वहाँ उन्होंने गाना पेश किया था। और आगे जाके उनको बहुत तकलीफें आ रही थी उसके बाद भी, क्योंकि वो एरिया और वो टाइम ऐसे था, दिस वॉज प्री इंडिपेंडेंस एंड ऑल्सो नॉट जस्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस, देर वॉज नो इंडिपेंडेंस फॉर वीमेन टू कम एंड सिट एज अ डिग्निफाइड person and perform as an art for classical music. उसको बहुत नीचे देखा जाता था, it was like a taboo for the society. But हीराबाई जी का सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ी गिफ्ट, जो आजकल हम लोग सारे आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स हम उसका आशीर्वाद के तौर पर से हम काम करते हैं, वो है कि शी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, शी fought for it in a way that उन्होंने अपने मन में इतनी दृढ़ निष्ठा, खाली निष्ठा पकड़ के ही ऐसे नहीं, बट उन्होंने उसके पीछे कितने sacrifices किए हैं, कितना काम किया है, कितने लोगों से बातें हुई हैं, कितने लोगों से मिले हैं, कितने उन्होंने उनके ऊपर आपत्ति आई हैं, कितने बार ऐसे भी सुना है कि उनके प्रोग्राम में जाने के टाइम, उस टाइम किसी ने तानपुरे हाथ से छीन के तानपुरे पेड़ पे मार के तोड़ भी दिए हैं। अभी आप इमेजिन करते हैं कि इमेजिन करिए उस टाइम गाना बजाना अच्छा, एक उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, इट वाज लाइक टर्म्ड एज नॉच गर्ल्स और तवायफ। तो वो स्टेचर से लेके उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया है और एक शालीनता से बैठ के, नीचे बैठ के, तानपुरा लेके, जेंट्स के जैसे, पुरुषों के जैसे उन्होंने गाना पेश करना और उसका एक एक स्टाइल या एक ट्रेंड डाल के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस टाइम जेंट्स गाते थे बट फिर भी इट वाज बिकॉज इट वाज अ जेंट्स सोसाइटी, इट वाज लाइक अ कैन से मैल्चुअनिस्ट सोसाइटी, तो लड़कियों को या लेडीज़ को स्टेज पर आना मना ही था। इवन ड्रामा में, मराठी नाट्य संगीत और भी, इसमें लेडी का रोल भी जेंट्स करते थे,
लेकिन हीराबाई जी वॉज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, शी डिडंट एक्सेप्ट दैट। हालांकि हीराबाई जी की छोटी बहन जो थी कमला बड़ोदेकर, कमलाबाई बड़ोदेकर, शी वॉज ऑल्सो सिंगर, एंड उनकी छोटी बहन श्रीमती सरस्वती बहराणे, वो आप सब जानते ही हैं। तो कमलाबाई उनका मेन पार्टिसिपेशन, उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि शी वॉज द फर्स्ट लेडी हु एक्टेड एज अ लेडी ऑन स्टेज। वो कई लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होगा या देर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वॉट एवर, बट कमलाबाई को वो क्रेडिट जाता है कि स्टेज पे लेडी ने खड़े रह के रोल करना। और बाद में ऑफकोर्स हीराबाई जी की उन्होंने अपनी एक खुद की नाटक मंडली तैयार की और उनके मंडली में बहुत बड़े बड़े गुणी आर्टिस्ट थे और उन्होंने वो किस तरह से चलाया, कैसे क्या चलाया, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और एक प्रार्थना करूँगा कि हमारे बीच आज उनकी, हीराबाई जी की सबसे बड़ी और सीनियर मोस्ट शागिर्दा पद्मभूषण प्रभा अत्रे जी आज हमारे बीच आने वाली है और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करें। नमस्कार, मैं प्रभा अत्रे, गुरु हीराबाई जी के 115वें जन्म दिवस के पुण्य अवसर पर उनके चरणों में मैं श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, अच्छे गुरु का मिलना नसीब की बात होती है। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ कि मैं किराना घराने की दिग्गज कलाकार सुरेश बाबूजी माने और हीराबाई जी बड़ोदेकर की शिष्या हूँ। सुरेश बाबूजी ने साधना के मार्ग पर मुझे अकेले चलना सिखाया। उसी मार्ग पर हीराबाई जी ने महफिल का मंदिर दिखाया और साथ में श्रोताओं का प्यार भी मिला। इसलिए आज भी मैं गुरुओं के नाम की पताका लेकर साधना के मार्ग पर मैं निरंतर चल पा रही हूँ। संगीत जगत में आज मेरा जो स्थान है उसका सारा श्रेय मेरे गुरुओं को जाता है। मेरे बचपन में गणेश उत्सव में होने वाले संगीत कार्यक्रमों का बहुत महत्व था, खासकर राजतापेट में जहाँ हम रहते थे। वहाँ के गणेश उत्सव में पुणे के सारे लोग हीराबाई जी का गाना सुनने आते थे। उनकी महफिल एक अभूतपूर्व मेजबानी थी। हीराबाई जी के पहले साके साथ ही सारा वातावरण आत्माएं प्रसन्न शांत हो जाता था। इतना बड़ा जनसमुदाय एक पल में मंत्रमुग्ध हो जाता था। मेरे ऊपर शास्त्रीय संगीत के पहले संस्कार हीराबाई जी के स्वरों के ही है। उनकी महफिलें मैंने रात रात भर सुनी है। मेरे जीवन में हीराबाई जी का आगमन कभी होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनके बड़े भाई सुरेश बाबू जी के पास संगीत सीखने की बात चल रही थी। शिष्या के रूप में स्वीकार करने से पहले मुझे परीक्षा देनी पड़ी। हीराबाई जी के घर में ही सुरेश बाबू जी, हीराबाई जी और उनकी छोटी बहन कमलाबाई जी परीक्षक के रूप में बैठे थे। हीराबाई जी से ये मेरी पहली मुलाकात थी। सुरेश बाबू जी के पास मेरा संगीत सीखना शुरू हुआ। उसके बाद काफ़ी बार हीराबाई जी से मुलाकात होने लगी, गौरी गणपति पूजन के अवसर पर और मीरज में अब्दुल करीम खान साहब की पुण्यतिथि के समय निश्चित ही हीराबाई जी से मिलना होता था, उनका संगीत सुनने को मिलता था। हीराबाई जी हमेशा प्यार से मेरी रियाज के बारे में पूछताछ करती थी। ये सुरेश बाबू की शिष्या है, अच्छा गाती है, ऐसे सबको गर्व से कहती थी। जब भी मैं उनके घर जाती थी बिना भोजन के लौटने नहीं देती। हीराबाई जी का घर सारे कलाकारों के लिए स्वर मंदिर हुआ करता था।
छोटे बड़े अनेक कलाकार उनके घर जाकर हाजिरी लगाते थे। हीराबाई जी ने हमेशा दूसरे कलाकारों की प्रशंसा की। वो कहती, हर कलाकार में कोई अच्छी बात होती है, उसको देखना चाहिए। उभरते कलाकारों को वो प्रोत्साहन देती थी, मार्गदर्शन करती थी। उनकी एकाद चीज पसंद आने पर उसे सीखने में वो छोटे बड़े का भेद नहीं करती थी। जो अच्छा है उसे अपनाओ, ये बात सुरेश बाबू जी हमेशा कहते थे। हीराबाई जी को इसे प्रत्यक्ष रूप से अपनाते हुए मैंने देखा। कलाकारों में ये दिलदारी कदाचित ही देखने को मिलती है। इस स्वभाव के कारण हीराबाई जी लोकप्रिय थी, सबकी आदरणीय थी। हीराबाई जी ने किराना घराने का नाम रोशन किया। संगीत उनको विरासत में मिला था, उनके हर सांस में संगीत था। नैसर्गिक मीठी सुरीली पतली लेकिन वजनदार रियाज से खुली तानपुरे की जवारी जैसी आवाज, बचपन में हुए संस्कार तथा बड़े भाई सुरेश बाबूजी और वहीद खां साहब जैसे गुरु के प्रभाव में हीराबाई जी का सांगीतिक व्यक्तित्व संपन्न समृद्ध हुआ था। गुरु से प्राप्त ज्ञान को उन्होंने सतत अभ्यास के कारण चमकता रखा। प्रवास के दौरान भी रियाज को नहीं छोड़ा। सुबह उठते ही वे पहले तानपुरा हाथ में लेती थी। हीराबाई जी ने किराना का अनुशासन कभी नहीं छोड़ा। शांत प्रसन्न भावपूर्ण स्वराविष्कार, ये उनके गायन शैली की विशेषता थी। राग प्रस्तुति में सहजता और नियोजन था, साथ ही गायन में एक नम्रता विनय और तन्मयता थी। हीराबाई जी के गाने में सबसे बड़ा आकर्षण था उनका शर्ज। इस शर्ज में ईश्वरीय अंश था। पूनम के चांद का तेज लेकर वो सारे वातावरण को प्रकाशमान कर देता था। जिन्होंने इस शर्ज को सुना वे धन्य है। बंदिश की स्थायी और अंतरे की व्यवस्थित प्रस्तुति, एक एक स्वर के आगे बढ़ती सुरीली भावपूर्ण आलापी, तान में सफाई, थोड़ी सी लयकारी आदि से राग का सुंदर रूप सामने आता था। ख्याल से शुरू हुई महफिल भैरवी समाप्त होने तक मन तृप्त करती थी। जिस तरह से हीराबाई जी राग प्रस्तुति करती थी उसमें शास्त्र सुगम हो जाता था। शास्त्र की कठिनता सरल हो जाती और स्वरों का काम मन को छू जाता था। जानकार से आम श्रोता तक को उनका गाना अपना सा लगता था। हीराबाई जी की गायकी रसीली थी, रंगीली नहीं। उसमें इश्क का दर्द नहीं था लेकिन आत्मा की पुकार थी, अतीत की ओर ले जाने वाली पुकार। हीराबाई जी का संपूर्ण गायन आंगन की तुलसी की तरह, शांति से जलने वाले दीप की तरह का था। हीराबाई जी की महफिल से जानकार श्रोता जैसा खुश होता था वैसे ही आम श्रोता भी तृप्त हो जाता था। इसी कारण उनकी आवाज गांव गांव में पहुंची थी। छोटे गांव में कम मानधन मिलता था परंतु उन्होंने श्रोताओं का दिल कभी नहीं दुखाया। राज दरबार में वे जितनी निष्ठा से गाती थी उतनी ही निष्ठा से वह हर महफिल में गाती थी। उनके गाने में ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत, भावगीत, भजन आदि सब प्रकार थे परंतु उनका मन रमता था ख्याल, नाट्य संगीत और भजन में। हीराबाई जी का रहन सहन बहुत सीधा सादा था। हल्के रंग की मैचिंग साड़ी ब्लाउज, साड़ी की बॉर्डर हमेशा स्त्री की जैसी, हाथ में दो चमकती चूड़ियाँ, कान में कर्णफूल और गले में मंगलसूत्र, कभी कभार जुड़े हुए एक आध फूल भी नजर आता था। यात्रा के दौरान भी हीराबाई जी उतनी ही व्यवस्थित थी।
घी से लेकर मच्छरदानी तक का सामान साथ रखती थी। नहाने के पूर्व स्वयं तेल मालिश करती, कपड़े धो लेती, जिस कमरे में रहती उसे साफ करती, सामान जमाती, सुबह खाली पेट चाय नहीं पीती, संतुलित नाश्ता करती, कार्यक्रम के पश्चात खाली पेट नहीं सोती, मुझसे कहती अपने शरीर का ध्यान खुद को ही रखना चाहिए। हीराबाई जी को गुस्सा होते मैंने कभी नहीं देखा। आवाज चढ़ाकर भी वे कभी नहीं बोलती थी, हमेशा चेहरा शांत और संतुष्ट। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद नई जवाबदारी स्वीकारना उनका स्वभाव था। जो कष्ट उन्होंने दूसरों के लिए उठाए वे शायद ही कोई उठाता। संतुलन हीराबाई जी के जीवन का सूत्र था। अपने गायन में भी वे शास्त्र और कला के बीच अच्छा संतुलन बना पाई। संगीत का आनंद लेना और रसिक श्रोताओं के साथ उसको बांटना, इसी उद्देश्य से वे गाती रही। सही अर्थ में उनका गायन आत्मिक गायन था। कलाकार का जीवन संतुलित होना चाहिए। वास्तविकता और कला, ये दोनों में सामंजस्य बनाकर गाने वाला ही गाना योगी कहलाता है। हीराबाई जी की पूरी संगीत यात्रा इस सीमा रेखा पर ही संपन्न हुई। साधु संतों को जो देश तपस्या से प्राप्त होता है वो हीराबाई जी ने केवल कला की उपासना से प्राप्त कर लिया था। उनका व्यक्तित्व सभी को विनम्र करने वाला था। 1960 में नौकरी के कारण मैंने पुणे छोड़ा। तब से हीराबाई जी से मेरा मिलना जुलना कम हो गया। पत्रव्यास से जरूर संपर्क बना रहा। कार्यक्रम या अन्य प्रसंगों पर जब मेरा पुणे जाना होता था तब मैं हीराबाई जी से जरूर मिलती थी। जब भी विदेश जाती थी दौरे से पहले पुणे जाकर हीराबाई जी से आशीर्वाद लेती थी। मुझे संतुष्टि है 1991 से 15 साल तक सुरेश बाबू जी और हीराबाई जी की स्मृति में एक राष्ट्रीय संगीत समारोह का आयोजन मैं कर सकी। इस समारोह में ज्येष्ठ तथा युवा गुणी कलाकारों को सुनने के लिए 3-4 हज़ार श्रोता उपस्थित रहते थे। ये आयोजन पुणे के सवाई गंधर्व संगीत समारोह के स्तर पर होता था, ऐसा लोगों का मानना है। मैं जानती हूँ सुरेश बाबू जी और हीराबाई जी से मेरी गायन शैली भिन्न है। मैं स्वतंत्र रूप से चल पड़ी हूँ, इसकी सुरेश बाबू जी प्रशंसा करते थे, उनको गर्व था। वैसे ही हीराबाई जी को भी अभिमान था। अपने शिष्या को अपने ढंग से फूलने देना, खेलने देना, ये सोच, ये बड़प्पन बहुत कम गुरु में दिखाई देता है। अकेली चल पड़ी थी राह पर, मुड़ के देखा तो कारवा बन गया था। सुरेश बाबू जी और हीराबाई जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। आखिरी सांस तक मैं संगीत की सेवा कर सकूं, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। जैसे आप जानते हैं कि हीराबाई जी का मराठी नाट्य संगीत में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उनकी अपनी खुद की उन्होंने एक ड्रामा कंपनी स्थापित की थी, नूतन संगीत विद्यालय, और ये ऐसा उसका सौभाग्य और ऐसा कमाल का उसका एक वो था कि उस कंपनी में सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, गायक लोग, वादक लोग, और उसमें से कुछ नाम मैं जानता हूँ, और जैसे आप तो उस्ताद शमसुद्दीन खान साहब को नाम सुना होगा, द ग्रेट तबला नवाज, हु वाज द गुरु बंधु ऑफ उस्ताद तिरुवा खान साहब एंड अमीर हुसैन खान साहब, ये सब लोगों की पीढ़ी में उस्ताद शमसुद्दीन खान साहब, तो ये दादी के साथ रेगुलर अकम्पनिस्ट थे एज अ वोकल फॉर द वोकल अकम्पनीमेंट।
ही वॉज अ ग्रेट सोलोइस्ट एंड डांस अकंपनिस्ट ऑल्सो. सो ऐसे दिग्गज कलाकार थे. वीजी जोग थे, वायलिन बजाते थे, वो भी कभी कभी आते थे, वो भी संगत करते थे. और हमारे पंडित वसंतराव देशपांडे जी भी सबके फेवरेट वन ऑफ द सिंगर्स. लेकिन उस टाइम वो तबला बजाते थे. और कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि दादी जी की, हीराबाई जी की बाहर जो ट्रिप हुई थी पहली, जब पहली या दूसरी, मेरे ख्याल से पहले तो चाइना में गई थी और दूसरी बार वो साउथ अफ्रीका गई थी. तो अफ्रीका के टूर में पंडित वीजी जोग वायलिन के लिए थे, दादी के बड़े भाई सुरेश बाबू माने थे, फिर डांस के लिए दमयंती जोशी थी, और एक जादूगर भी थे, वो ग्रुप था ऐसे जादूगर रघुवीर उस टाइम थे, और तबले पे संगत वसंतराव देशपांडे करते थे. तो ही वॉज अ तबला प्लेयर एंड फॉर दैट ट्रिप. तो कहने के मतलब है कि दादी का मराठी नाट्य संगीत में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है और उनकी जो एक क्या बोलते हैं, जिससे वो बहुत प्रसिद्ध भी हुई, फेमस भी हुई, और महाराष्ट्र के हर गांव में, हर शहर में उन्होंने परफॉर्म किया है. और क्लासिकल के तौर पे तो उन्होंने पूरे इंडिया भर, जितने भी, जैसे लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं आजकल, वहाँ वहाँ हीरा भी ऑलरेडी गा चुकी है उनके अपने करियर के टाइम. और ऐसा कोई भी शहर नहीं कि उन्होंने जहाँ परफॉर्म नहीं किया हो. तो उनके मराठी नाट्य संगीत में मान अपमान, संशय गडलोल, फिर एकच प्याला, संत साध्वी मीराबाई, इतने फेमस फेमस ड्रामास उन्होंने उस टाइम काम किया है. मुझे याद है एक वाक्या जो हमारे दादी जी ने हमें बचपन में बताया था, जो पंडित बाल गंधर्व जी का नाम था उसमें. और वो बाल गंधर्व जी और दादी ने साथ में बहुत काम किया है एक्टिंग और मराठी नाट्य में. और वो बाल गंधर्व जी हीराबाई जी को ताई बोलते थे, बहन मानते थे. तो एक बार ऐसे हुआ, कैसे थी दादी ने जो बताया है कि एक कोई ड्रामा में दोनों साथ में काम कर रहे थे, और उसमें एक सीन ऐसे था कि डायलॉग और गाने के बाद हीराबाई जी को, यानी द लेडी कैरेक्टर, उनको चक्कर आ जाती है और वो गिर जाती है. तो एक्टिंग के पहले या रिहर्सल में दादी जी ने उनको, बाल गंधर्व जी को पूछा कि देखो ऐसे ऐसे गिरने वाली हूँ, तो आप मुझे पकड़ने वाले हो क्या, मैं अपने आप गिर जाऊँ, ऐसे उन्होंने पूछा. तो बाल गंधर्व जी बोले, नहीं नहीं ताई, आप चिंता मत करो, मैं आपको पकड़ूंगा, आप आराम से फ्री होके गिर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. हुआ क्या कि जब ड्रामा शुरू हो गया और वो सब हो गया, और वो जब वो सीन आ गया कि वो लेडी कैरेक्टर चक्कर आके गिर जाते हैं, तो उन्होंने, उनको मालूम था कि बाल गंधर्व जी पकड़ने वाले हैं, और वो गिर गए ये समझ के. लेकिन बाल गंधर्व जी शर्म के मारे वो उन्होंने पकड़ा ही नहीं, और वो जो धाम करके गिर गई बोले, तो मुझे बड़ा लगा था, बोले तीन चार दिन वो दुख रहा था, ऐसे दादी ने बताया. तो एक याद आया, इसलिए आपको मैंने शेयर किया उनके ड्रामा के बारे में एक ये वाकया. तो चलिए कुछ उनके हम फोटोग्राफ्स और उनका संगीत सुनते हैं. Thank you.
गांधी जी ने, हीराबाई जी ने अपने करियर में अपने साथ में कई और आर्टिस्टों को, नए आर्टिस्टों को, यंग आर्टिस्टों को चांस भी दिया, आगे भी लाया और उनको प्रमोट भी किया, मोटिवेट भी किया। तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे और ऐसे कलाकार जो है कि आज भी दादी का याद करके और नाम लेके उनको एक ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड की श्रद्धांजलि भी वो अर्पण करते हैं। उसमें से एक नाम मैं जानता हूँ, वो है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी हमारे किराने घराने के ऑफकोर्स अग्रगण्य गायक, उनकी कोई इंट्रोडक्शन की कोई किसी को ज़रूरत नहीं। लेकिन दादी जी ने भीमसेन जी को कलकत्ता के अंदर, बिहार में, नॉर्थ में, दिल्ली में, यहाँ वहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स होते थे उनको साथ में लेके प्रमोट करके उनको उनके प्रोग्राम्स करवाए। और किराने घराने का एक पुरुष गायक के तौर पे उनको बेटे के समान उनका प्यार था उनके ऊपर। और हीराबाई जी और भीमसेन जी, हीराबाई जी को भी अपनी माँ समान मानते हैं। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, जैसे पंडित जसरा जी हैं, वो भी हमारे घर आए करते थे। और अन्य बहुत सारे आर्टिस्ट जैसे पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, विलायत खान साहब, अमजद अली खान साहब, एंड बहुत, हम बहुत छोटे थे तब, बहुत ही छोटे थे या पैदा भी नहीं हुए थे, घर में आके रहते थे। जैसे महाराष्ट्र में प्रोग्राम है तो पूना में हीराबाई जी के यहाँ घर में, जैसे होटल में किसी का रहना नहीं था, कोई फाइव स्टार होटल या रूम लेके रहना ऐसे नहीं था उस जमाने में। तो हीराबाई जी का घर एक अड्डा था गाने का, तो वहाँ रह के फिर वो नासिक जाओ, बॉम्बे जाओ या और जाओ, कहीं और जाके वो वापस आते थे। वैसे हीराबाई जी भी जब जैसे दिल्ली जाती थे तो किसी के घर रुकते थे, फिर वहाँ से इधर उधर जाते थे। तो आइए, आज बहुत बड़ सौभाग्य की बात है कि संगीत मारतांड पंडित जसराज जी आज हमारे बीच अपनी भावनाएं व्यक्त करने जा रहे हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय हो। प्रात स्मरणीय श्रीमती हीराबाई बड़ोदकर बहुत गजब की लेडी थी, बहुत बड़ी लेडी थी। संगीतकारों में उनका बड़ा सम्मान था क्योंकि वो उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की बेटी थी और ख़ुद बड़ी ज़बरदस्त गायिका थी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मैं आपको 2-3 घंटाएँ उनके साथ की सुनाता हूँ। मैं तो एक बच्चा और वो ज़बरदस्त लेडी थी, मैंने आपको पहले कहा, बहुत एल्डरली लेडी थी, हमसे करीब बहुत सालों बड़ी थी, बहुत बहुत सालों बड़ी थी। एक पहली घटना ये है, 64 में मैं कुंदगोड़ गया था। कुंदगोड़ में तो एक ही नाइट प्रोग्राम होता था, तो मेरा 2 वर्ष मॉर्निंग प्रोग्राम था और उनका शुरुआत में 2-3, तब वो श्रीमती हीराबाई बड़ोदकर और सरस्वती जी राणे दोनों मिलकर गाती थी, डुएट गाती थी। तो डुएट में गाने के लिए बैठी, मैं जाके स्टेज के ऐसा एकदम करीब चिपक के बैठ गया। तो इतनी बड़ी लेडी ने हमको रिकग्नाइज़ किया और सरस्वती जी से कहा कि, मराठी में बोली, देखो सरस्वती जी, पंडित जी आ गए, मैं और उनके सामने पंडित जी, हे भगवान। तो उसके बाद में उन्होंने और भी आदर दिया जो मैं डिज़र्व नहीं करता, उनके सामने नहीं करता। और दूसरी बात, मैं उनके पास हमेशा घर जाता था पूना में, जब भी जाता था उनके पास घंटे 2 घंटे बैठता था। और मैं अकेला नहीं जाता था, 4-6 मेरे विद्यार्थी मेरे साथ होते थे, जिसमें स्पेशली शोभा अभ्यंकर, जो संजीव अभ्यंकर की माता थी, वो
हारमोनियम नवाज, अप्पा साहब जलगांवकर, मोस्ट ऑफ टाइम वो भी मेरे साथ रहते थे हीरा भाई के पास जाने के लिए, क्योंकि वो तो उनके तो दर्शन ही लोग चाहते थे कि मिल जाए आराम से। और मैं ही एक ऐसा था मेरे ख्याल में, वो तो सबको भी ऐसे ही दर्शन देती होंगी, खूब आदर करती होंगी, क्योंकि बहुत प्यारी लेडी थी। तो ऐसा हम लोग सब जाके बैठ जाते थे, वो एक आसन पे बैठी रहती थी ऊपर और हम लोग सब नीचे उनके सामने बैठ जाते थे। बहुत प्यार से बातें करती थी, अपने गुजरे समय का जिक्र करती थी कि यहाँ गई वहाँ गई ऐसा गई वैसा गई। अच्छा, अपने मुंह से कभी भी अपनी तारीफ नहीं करती थी, भरी दुनिया उनकी तारीफ के मारे लोटपोट हो जाती थी। बहुत बड़े मन की लेडी थी, कभी हमको कुछ दे देती थी, कभी हमें कुछ दे देती थी प्रसाद के रूप में, खाने के लिए पीने की तो बात छोड़ो, कभी चांदी का कटोरी दे दी, कभी चांदी का गिलास दे दिया, कभी एक स्कार्फ दे दिया, कभी शॉल दे दी। अब मैं क्या बताऊं, बहुत अद्भुत लेडी थी। भगवान उनको स्वर्ग तो उनको यही था, स्वर्ग से भी कोई ऊपर चीज़ है तो वो उनको प्रदान करिए बाबा। हाँ, सत्य साई के अनन्यतम भक्त थी वो। सत्य साई बाबा जो थे उनकी वो बहुत बड़ी भक्त थी। सत्य साई बाबा उनके यहाँ भी आते थे, बस वो तो भक्त तो थी, वो तो सत्य साई क्या, सब बाबा लोगों की भक्त थी। और उन्होंने ही हमें बाबा लोगों के दर्शन का मार्ग दिखाया। जय माँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी मैं हमारे किराने घराने के पुरुष अग्रगण्य गायक उस्ताद मशकूर अली खान साहब, जो कि कलकत्ते के संगीत रिसर्च एकेडमी में प्रमुख प्राध्यापक हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी भावनाएं पेश करें हीरा भाई जी के बारे में। आइए। ये उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की बेटी हैं, और मेरा कहना यही है कि माँ की गोद में भी इनको सुरीला गाना सुनने को मिला, और वो उन शख्सियत का गाना सुना कि जिनकी दुनिया दीवानी थी, उनके सुर की जो खूबी थी दुनिया ने सराही, और उन्हें सुरों का देवता या सुरों का शहंशाह कहा। उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, जिनकी बेटी श्रीमती हीराबाई बड़ौदेकर थी, जिनको मैं आंटी कहता था, और उनकी तालीम उस्ताद सरताजे मौसिकी उस्ताद अब्दुल वहीद खान साहब से हासिल हुई, जो कि मेरे दादा थे, मेरे दादा के छोटे भाई, उनसे उनको संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई, और अपने फादर से भी, और अपने बड़े भाई सुरेश मानी जी से प्राप्त हुई। लेकिन वो उनका नाम हीरा क्या था, वाकया वो दुनिया में ऐसी चमकी और ऐसा गाना दुनिया को उन्होंने सुनाया कि दुनिया में बिल्कुल रोशन हो गई, दुनिया ने उनको सराहा और दुनिया ने उनका गाना सुना और कहा कि सुभान अल्लाह, क्योंकि दोनों तरफ से उनको गाना मिला, पिताजी की भी तरफ से और खान साहब की भी तरफ से, अब्दुल वहीद खान साहब की तरफ से। तो गाना लेके तो पैदा ही हुई थी, ऐसे शहंशाह की बेटी थी वो अब्दुल करीम खान साहब की, लेकिन उनको भी अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ बख्शी थी
कि मैं क्या बताऊं, फ्लूट की तरह आवाज़ थी बिल्कुल, जहां से जहां जाती थी एक जैसी रहती थी और उसके अंदर बहुत तासीर थी, दिल पे लगती थी वो, जब वो गाती थी तो उनकी आवाज़ दिल पे लगती थी, ऐसी खूबसूरत आवाज़ थी कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको दे। उनसे मेरी कुर्बत काफ़ी रही है और सबसे पहले मैंने उनको 63 या 64 में दिल्ली के अंदर देखा। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनको देखा, क्योंकि वो हमारे किराने घराने की एक शान थी और उसके बाद में दुनिया की शान बनी हूँ। तो मैंने उनको देखा और 1965 या 66 में जब उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला तो वहाँ वो पूरिया कल्याण गाई थी और मेरे वालिद क़िबला उस्ताद शकूर ख़ान साहब उनके साथ बजा रहे थे और ऐसी सुर में शुरू हुई होवन लागी सांझ, और क्या अच्छा बढ़त का उनका सिस्टम था, जो कि मेरुखंड तो संपूर्ण होता है लेकिन इसमें से जो रास्ते जो बनाए जाते हैं, वो रास्ते बनाने के बाद में वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से इतने खूबसूरत तरीके से निकल रही थी, जैसे कोई रेशम, रेशम की तरह से जैसे निकलते हैं ना, उस तरीके से उसको निकल रही थी कि एक से एक जो दूसरा जॉइंट होता है बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। और इतनी दुबली पतली और एक तानपुरा अपने हाथ में लेने के बाद में वो गाती थी, जो मैंने देखा है वो बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से बजता रहता था। और मैं देखता था कि या परवरदिगार, इतनी दुबली पतली और ऐसी कमाल की आवाज़, ऐसी बोल्ड आवाज़ और ऐसी सुर में, तो ये तो खुदा का एक करिश्मा ही था। तो तकरीबन वो एक घंटे गाई और मैं सुनता रहा, बहुत भला मालूम दिया। और एक रिकॉर्डिंग उनकी मैंने, चूँकि वो कॉन्सर्ट मेरे सामने नहीं हुआ था, तो दोनों बहनें सरस्वती आंटी और हीरा आंटी दोनों ए मन गा रही थी मेरा मन बंधली नो। तो हमारा जो संगीत रिसर्च एकेडमी SRA जो रिकॉर्डिंग रूम है उसके अंदर मैं और कुमार मुखर्जी हमारे थे आगरे घराने के, दोनों बैठे हुए उसको सुनने थे। आप यकीन मानिए कि थोड़ी देर के बाद में जब वो उन्होंने निषाद को, गंधार को एक मुकाम बना रखा था, नीरे गे कह रहे नी, नीरे गे नीरे सा, नी गे रे सा, गे नीरे सा, धा नीरे गे नीरे, धा नी गे रे, नीरे गे नीरे, नी गे रे, ऐसे जब इस तरीके से लड़ी उनकी चल रही थी, थोड़ी देर के बाद में मैं सच बताता हूँ कि कुम्हार साहब जो आगरे के बहुत एक मानने वाले थे और शागिर्द भी थे वहाँ के, और मुश्ताक हुसैन खान साहब के शागिर्द भी थे, उनके आंसू निकलने लगे। उनकी ऐसी पुकार उस गाने के अंदर थी, ऐसी पुकार थी कि वो भी रोने लगे और मेरे भी आंसू निकल गया है। ऐसी कुछ सदा आ रही थी कि जो मैं अगर मुंह से बयान करना चाहूं तो शायद मेरे बयान नहीं होगा, ऐसा दिल पे जाने के बाद में वो सिस्टम लग रहा था। और दोनों बहनों ने ये आलम कर रखा था बढ़त का कि मैं
क्या बताऊं, एक छोड़े एक पकड़े, एक छोड़े एक पकड़े, ऐसा समा बंधवा एमन का। तकरीबन एक घंटे वो गाई और गाने के बाद में वो रिकॉर्डिंग मतलब ख़त्म हुई। ये तो एक वाक़या है। जब वो 1966 में अब्दुल वहीद खान साहब की बरसी में तशरीफ़ लाई तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी उनकी कृपा बनी रही और बनी थी, क्योंकि मेरे वालिद ने कहा वो हमें उम्र थे और उनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी, भाई की तरह अपने बिल्कुल, और भाई थे भी वो। तो मेरे वालिद ने कहा कि हीरा, बोले जी खान साहब, भाई इसके भाई के पास तानपुरा नहीं है, एक तानपुरी की ज़रूरत है। जब मेरी आवाज़ पतली थी तो वो खुद गई, मिरज जब वहाँ से वापस गई तो जाने के बाद में मिरज गई, और जाने के बाद में वहाँ ऑर्डर देने के बाद में वो तानपुरा बनवा के मुझको और दिल्ली में उसको पार्सल कर दिया, जिसको मेरे वालिद ने फिर वहाँ से जाने के बाद में लिया, और वो तानपुरा मेरे पास अभी तक के रखा है, जिस पे लिखा हुआ था प्रेजेंटेड बाई साऊ हीराबाई बड़ौदेकर, और नीचे मेरा नाम लिखा था मशकूर। तो मैंने उसी तंबूरे पे अपना पूरा रियाज करा, किराने में भी, और फिर दिल्ली लिया है तो फिर वहाँ भी मैंने उस पर उसको रियाज करा। और उनका स्वभाव इतना मुलायम था कि बहुत धीरे से बात करती थी और बड़े खुले खुले दिल की थी, बहुत खुला हुआ दिल उनका था। कि जब एसआरए में तशरीफ़ लाई तो वहाँ सब बच्चे उनके इर्द गिर्द, क्योंकि अरुण भादुरी जी और एक एक दो और उनको स्टूडेंट दिए थे और वो उनके पास सीख रहे थे, तो उन्हें माई जी कहा करते थे। लेकिन मैं तो जब तक के नहीं आया था वहाँ, लेकिन मैंने सुना आने के बाद में, क्योंकि वो 1980 में चले गए, मैं 1981 में आया, लेकिन मैंने सुना कि सब माई जी माई जी माई जी कहकर उनको याद करते थे और उनकी अच्छाइयाँ कहा करते थे कि माई जी इतनी भगवान हैं कि जब भी हम जाते थे हमें कुछ खाए पिए बगैर वो नहीं वापस आने देती थी, अपने हाथ से बनाकर खिलाया करती थी। तो ये उनकी खूबी थी, बहुत सीधे स्वभाव की, बहुत सिंपल और कम बात करना। लेकिन गाना उनका ऐसा था कि एक दफ़े उनसे इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि वहीद खान साहब के का ज़रा आप वो दरबारी जो है ज़रा बताइए, तो गुमनी जग तज गए हो। जब उन्होंने गाया तो यकीन मानिए कि सब लोग जितने बैठे थे वहाँ सब कहने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं क्या बताऊँ, मैं मेरे पे शब्द नहीं है। इससे आगे भी बहुत उनमें जो तारीफ़ों की बातें थी और उनके गाने में खूबी थी, वो उसकी अगर मैं बहुत देर चर्चा करूँ तो वो ख़त्म नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ी करने के बाद में इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि वो तो जन्नती थी और जन्नती में होंगी और खुदा उनको जन्नत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी हीराबाई जी की जो छोटी बहन विदुषी सरस्वती बाई रानी, उनकी ग्रैंड डॉटर बहुत अच्छी सिंगर है, श्रीमती मीना फातरपेकर, उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आई एम मीना फातरपेकर, टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट द लेजेंडरी सिंगर ऑफ किराना गराना गाना हीरा हीराबाई जी बड़ौदेकर, माय डियर ग्रैंडमदर। टू स्पीक अबाउट हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द म्यूजिक, इट्स रियली इनक्रेडिबल। शी हैज डन अ रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक and paved the way
to the women till today to perform amidst the audience with dignity and to get the respect in this field. I was very fortunate to learn from her. Though it was for a very short span, but I learned few bhajans, few bandishes from her, which changed my perspective totally. She was a very, very patient guru. Being at such a stature, still she used to give lot of freedom to her students, not only to me, to other students also. She showed the path to move into the rag, but she never embossed her ideas on the students. This has helped me today as a performer, as a guru. She, with her younger sister, Srimati Saraswati Bai Rane, performed Jugal Bandi, which was a very rare of its kind in those days. It was a masterpiece, because in those days it was a male-oriented society, so rarely women used to perform in this manner. I think it was a first of its kind. And it is today also, it is very, very popular. They have cut many records of Jugal Bandi, of Rag Basant Bahar, Shuddha Kalyan, Yaman, few Natya Sangeets, which are masterpieces. And seeing both of them sitting on the stage and performing was an experience. As a human being, she was very simple. Whenever she was back from any program, she used to be like any other grandparent to us. If any guests used to come at lunchtime or dinner time, she never sent them back without eating. She used to serve them personally. There was no discrimination between younger artists or any other great artists in our house. All were at par. She used to treat everybody at par. Once again, we are very, very fortunate to take birth and grow up. हमारे घर में जैसे अभी बताया कि इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट दादी को मिलने आते थे. पूना के अंदर जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो उस्ताद अली अकबर खान साहब, क्या पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, पंडित शांता प्रसाद जी, विलायत खान साहब, शिव कुमार शर्मा जी, हरिप्रसाद चौरासिया जी, कुमार गंधर्व जी, किशोरी अमनकर जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये सब आया जाया करते थे और एक बड़ा आनंद का वातावरण निर्माण बैठा था. तो आज हमारे बीच इस प्रोग्राम में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे उस्ताद, हमारे गुरु तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन साहब इस कार्यक्रम में आ रहे हैं. मैं उनको बहुत प्यार से इनवाइट करता हूँ. हीराबाई बरोदेकर इन हर टाइम वॉज एन अनपैरेलल्ड स्टार ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक स्टेज, थिएटर एंड फिल्म्स. There was nobody equal to her to have made such a name in all these three categories of performance art. She was loved and honored all over India, and people just were excited always to go and see her. For me, it was an honor to have been in her presence. Hirabai, known as Gana Hira, was most definitely the crown jewel of Kirana Gharana. She, along with her sister Saraswati Rane and her brother Suresh Babu Mane, were probably the first family of Indian classical music in Maharashtra. It's through their hard work that music, Indian classical music, prospered in Maharashtra and then all over the country. She was, you know, unquestionably the big star of theater, and she, and along with people like Savai Gandharva and so on, were able to bring Indian classical music to the Marathi stage and therefore help in being able to popularize this art form further. I had the honor on several occasions of visiting her home in Pune. Her son,
actually her grandson, Nishikant Barodekar, was studying with my father. So he is my Guru Bhai. And every time I went to play in Pune in those days, whether it was Savai or at any other concert, I invariably ended up at her house for some food or just some gathering, snacks or anything. I was received with open arms and made to feel like family at home. Her dignity was immense. She was a massive personality in the living room, but always treated all of us as her equal. As a fan and a devotee, I bow down to her in Sashtang Pranam and pray to her that she bless us and help us all to keep the spirit of Indian classical music alive, well, and nurtured at all time. तो इतनी महान हस्ती, इतनी महान कलाकार हीराबाई जी के बारे में हम क्या क्या बात करें और क्या क्या बताएं, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सब लोग हमारे साथ आज बैठ के इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो शामिल हुए, जैसे कि पंडित जसराज जी जो अमेरिका में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी शॉर्ट नोटिस पे और इतना प्यार भरा मैसेज हमें भेजा। फिर जैसे हमारे उस्ताद जी जाकिर जी भी, उस्ताद जाकिर हुसैन भी अमेरिका से उन्होंने हमें भेजा। मैं कलकत्ता से मशहूर अली खान साहब जी का भी बहुत आभारी हूँ, और हमारी सर्वश्रेष्ठ गायिका पद्मभूषण प्रभात्री जी, इन सब का मैं बहुत तहे दिल से हमारी फैमिली की तरफ से और हमारे हीराबाई जी के स्टूडेंट्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। होप कि यू ऑल एंजॉयड, एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम टू कंप्लीट एंड कवर अप ऑल ऑफ द ग्रेट हीराबाई, बट वंस अगेन लेट मी कम टू दिस पॉइंट दैट दिस इज़ नॉट द ओनली प्रोग्राम, वी माइट कम विथ मोर प्रोग्राम्स एंड वी विल ट्राई टू मेक इट इन अ बिगर एंड अ नाइसर वे। So thanks everybody for participating and enjoying this homage to Gaan Hira Hirabai Barodekar ji on her 115th birth anniversary. Thank you, Sai Ram.